साल 2001 में आई फिल्म तुम बिन आपको भी याद होगी। इस फिल्म की कहानी और खास तौर पर इस फिल्म के गाने उस जमाने में लोगों को बड़े ही पसंद आए थे। इस फिल्म से एक साथ कई नए स्टार्स ने अपना करियर शुरू किया था, लेकिन वक्त का फेर देखिए, आज तुम बिन फिल्म का एक भी सितारा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। ये सभी एक गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं। किस्सा टीवी आज आपको तुम बिन फिल्म में अभिज्ञान के किरदार में दिखे अभिनेता हिमांशु मलिक की कहानी बताएगा। हिमांशु मलिक अब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ये जानने समझने की कोशिश हम इस वीडियो के जरिए करेंगे। यूं तो हिमांशु मलिक का जन्म 21 मई 1973 को हरियाणा के सोनीपत जिले के एक जाट परिवार में हुआ था। हालांकि इनका बचपन दिल्ली में गुजरा था, पढ़ाई लिखाई भी यहीं से हुई और यहीं के कॉलेज में उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। चूंकि हिमांशु एक शानदार पर्सनैलिटी के मालिक थे, तो उनके दोस्त अक्सर उन्हें सलाह देते थे कि तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। अपने कॉलेज में भी हिमांशु लड़कियों के बीच में काफ़ी मशहूर थे। दोस्तों के बार बार कहने पर हिमांशु ने मॉडलिंग का इरादा बना ही लिया। उस ज़माने में वैसे भी कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच मॉडलिंग एक बहुत शानदार पार्ट टाइम जॉब था। एक ऐसा जॉब जिसमें ना केवल बढ़िया पैसा मिलता था, बल्कि नाम और इज्जत भी खूब मिलती थी। शानदार कद काठी के मालिक हिमांशु को मॉडलिंग में जल्द ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। मॉडलिंग में हिमांशु का दिल कुछ ऐसा रमा कि इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद भी इन्होंने मॉडलिंग जारी रखने का फैसला कर लिया। हिमांशु ने नौकरी करने के बजाय मुंबई जाने का इरादा बना लिया। वो केवल मॉडलिंग तक ही खुद को सीमित नहीं रखना चाहते थे। दिल के किसी कोने में वो फिल्मों में काम करने का अरमान भी पालने लगे थे। हिमांशु मुंबई आए और मुंबई आने के बाद इन्हें बढ़िया काम भी मिला। इन्होंने ढेर सारे फैशन शोज में रैंप वॉक किया और कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। लेकिन हिमांशु की किस्मत बदली तब जब इन्हें विमल शूटिंग्स के लिए एक ऐड करने का मौका मिला। उस ज़माने में वैसे भी माना जाता था कि एक कामयाब मॉडल वही होता है जो विमल या फिर रेमंड जैसे बड़े ब्रांड्स के ऐड में नज़र आए। इत्तफाक से हिमांशु को रेमंड के एडवर्टाइजमेंट में काम करने का मौका भी मिल गया था। विमल और रेमंड के एड्स में काम करने के बाद हिमांशु के हौसले बुलंद हो चुके थे। अर्जुन रामपाल और मिलिंद सोमन जैसे दो ऐसे उदाहरण उनके सामने पहले से ही मौजूद थे, जो मॉडलिंग के साथ साथ फिल्मों में भी बढ़िया काम कर रहे थे। हिमांशु ने भी फिल्मों में काम करने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। इत्तफाक से ये वो वक्त भी था जब भारत में म्यूजिक वीडियोज़ का दौर अपने पीक पर था। महान कव्वाली गायक नुसरत फ़तेह अली खान साहब उन दिनों अपनी पॉपुलर कव्वाली आफरीन का म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहे थे। उन्होंने हिमांशु मलिक को अपने उस म्यूज़िक वीडियो में लीजा रे संग साइन कर लिया। चूंकि नुसरत साहब एक बहुत बड़े कलाकार थे और उनका म्यूज़िक हमेशा हिट रहता था, तो उस वीडियो से हिमांशु को भी काफ़ी फ़ायदा मिला। सोनू निगम ने अपनी एल्बम दीवाना के एक गीत में हिमांशु को कास्ट कर लिया। वो गीत भी खूब पसंद किया गया था। हिमांशु युवाओं और ख़ास तौर पर लड़कियों के बीच काफ़ी पसंद किए जाने लगे। लेकिन हिमांशु केवल मॉडलिंग और म्यूज़िक वीडियोस में काम करने मुंबई नहीं आए थे, उनका सपना था फिल्म में काम करना। इसी दौरान हिमांशु को पता चला कि मीरा नायर अपनी फिल्म कामसूत्र के लिए एक्टर्स की तलाश में है। हिमांशु ने भी मीरा नायर के सामने ऑडिशन दिया और किस्मत से उन्हें सिलेक्ट भी कर लिया गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें बताया गया कि चूंकि जिस रोल के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया था उसके हिसाब से उनकी उम्र काफ़ी कम है, तो उन्हें ये रोल नहीं दिया जा सकेगा। इस खबर ने हिमांशु पर तो मानो दुखों का पूरा पहाड़ ही गिरा दिया। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और मीरा नायर से एक बड़ी अनोखी गुजारिश कर डाली। कामसूत्र में रेखा जैसी दिग्गज अदाकारा काम कर रही थी, तो हिमांशु किसी भी हाल में ये फिल्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने मीरा नायर से गुजारिश की कि कैमरे के सामने नहीं तो कम से कम कैमरे के पीछे ही उन्हें कोई काम दे दिया जाए, उन्हें असिस्टेंट ही बना लिया जाए।
तब मीरा नायर ने हिमांशु को अपना प्रोडक्शन असिस्टेंट बना लिया। हिमांशु ने उन्हीं दिनों एक बड़ा मॉडलिंग प्रोजेक्ट भी साइन किया था और पूरी मुंबई में उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, लेकिन कामसूत्र के सेट पर हिमांशु बाकी कलाकारों को चाय पिला रहे थे। बहरहाल, राम गोपाल वर्मा की चर्चित फिल्म जंगल में ये पहली दफ़ा ऑन स्क्रीन नज़र आए। हालांकि इस फिल्म में इनका रोल तो बहुत ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन इनके फिल्मी करियर को अच्छा स्टार्ट ज़रूर मिल गया। इसी बीच जब टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार ने तुम्बिन बनाने का ऐलान किया तो हिमांशु की तकदीर बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। दरअसल महेश भट्ट की म्यूजिकल फिल्म आशिकी की तर्ज पर भूषण कुमार अपनी फिल्म तुम्बिन बनाना चाहते थे। फिल्म में बढ़िया बढ़िया गाने डालने थे ताकि फिल्म को गानों के दम पर ही हिट कराया जा सके। यही वजह है कि भूषण कुमार ने फिल्म में सभी नए चेहरे कास्ट किए थे। हिमांशु भी इस फिल्म के ऑडिशन में गए और उन्हें कास्ट कर लिया गया। यहाँ एक रोचक बात यह है कि मशहूर एक्टर जॉन अब्राहम ने भी तुम्बिन फिल्म में काम करने के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन चूंकि उनका ऑडिशन अच्छा नहीं रहा था तो टी सीरीज ने उन्हें तुम्बिन के लिए सिलेक्ट ही नहीं किया। एक और दिलचस्प बात जो इस फिल्म से जुड़ी है वो ये कि पहले हिमांशु को उस रोल के लिए चुना गया था जिसे प्रियांशु ने निभाया था, लेकिन बाद में डायरेक्टर ने इन दोनों के रोल रिप्लेस कर दिए और सारे सीन्स दोबारा शूट किए। बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी। तुम्बिन के बाद साल 2003 में हिमांशु एक और फिल्म में नजर आए जिसका नाम था ख्वाहिश। इस फिल्म में हिमांशु के अपोजिट मल्लिका शेरावत थी और फिल्म में हिमांशु और मल्लिका ने 17 किसिंग सीन्स दिए थे। फिल्म से ज़्यादा इन किसिंग सीन्स की चर्चा हुई थी। मल्लिका शेरावत रातों रात सेलिब्रिटी बन गई, लेकिन हिमांशु के बारे में किसी ने बात नहीं की और कहना चाहिए कि यहीं से हिमांशु का नया नया शुरू हुआ करियर ढलान पर आना भी शुरू हो गया। हिमांशु एलओसी करगिल, रक्त और रोग जैसी कुछ मल्टी स्टारर फिल्मों में दिखे ज़रूर, लेकिन उनके रोल्स इतने खास नहीं रहे कि कोई उन्हें नोटिस कर सके। धीरे धीरे हिमांशु को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। खुद हिमांशु भी फिल्मों से दूर होने लगे। फिल्मों से जब हिमांशु एकदम गायब हो गए और लोगों ने भी उन्हें पूरी तरह से भुला दिया, तो फिर 2014 में हिमांशु एक बार फिर से चर्चाओं में तब आए जब उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस मलिक पिक्चर्स शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने राइटिंग और फिल्म डायरेक्शन में हाथ आजमाने की कोशिश भी की। हिमांशु ने QED नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी जिसकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी। इसके अलावा हिमांशु ने अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले कुछ म्यूजिक वीडियोस और एक फिल्म बनाने का ऐलान भी किया था, लेकिन हिमांशु को कभी भी वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसका ख्वाब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हर इंसान देखता है। हिमांशु अब पहले से काफ़ी बदल चुके हैं, उनके लुक्स पूरी तरह से डिफरेंट हो चुके हैं। बताया जाता है कि हिमांशु अब शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता हैं। हालांकि ये कितना सच है हम नहीं कह सकते, क्योंकि हिमांशु की निजी ज़िंदगी के बारे में जानकारियां इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। किस्सा TV हिमांशु की अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। जय हिंद।